इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और नमस्कार करने में क्या हर्ज है अगर मैं करती हूँ तो इस तरह के लोग, आपको भी थ्रेट्स आ रही हैं, मैंने कई बार देखा आपके ट्विटर पे और फेसबुक पे कई जगह, तो ये कौन लोग हैं आपके ख्याल से और क्यों इनको हमारा बोलना पसंद नहीं आता? देखिए, ये वबा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। आप सोचिए कि एक ट्विटर का मालिक, वन पर्सन कैन बैन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम जिस मोड़ पे हैं उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और रैशनल थिंकिंग का जवाल है। मैंने पहले भी कहा है कि ये कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद अकलमंदों का और सोचने वालों की ये कब्रिस्तान बनती जा रही है दुनिया। आप अगर अपनी बात कहें कि आप कितने सुपीरियर हैं और बाकी कितने घटिया हैं, तो आपको साथ जुलूस चल पड़ेगा। लेकिन आपने अगर ये सोचा कि ये मैं इससे एक अलग ओपिनियन रखती हूँ या रखता हूँ, और तो सवाल ये पूछा होता कि आपको किसने हक दिया कि आप मेरी सोच के खिलाफ बोलें। ये पैसा, नस्लीय नस्ल परस्ती और ये उनकी जंग है, जहालत की जंग है। नस्ल परस्त आदमी होता ही जाहिल है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता अपनी नस्ल के अलावा। इसी तरह मजहबी जो लोग हैं अपने अपने धर्म में, जिनके आँखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, उनको नज़र ही नहीं आता कि वो तो बात कर रहे हैं 1000-2000 साल पहले। यानी सपोज करें हजरत मूसा के ज़माने की बात कर रहे हैं तो 3000-4000 साल हो गए, लेकिन उससे पहले जो 50,000 साल से जो इंसान अपनी तरक्की कर रहा था, कहाँ से कहाँ इवॉल्व होके आया है, वो उस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि दे वॉन्ट एब्सोल्यूट्स कि हमारी गाड़ी चल रही है, हम अमीर लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये जो गरीब है इनको कि क्यों नहीं अमीर हो जाते। ये बड़ी बड़ी आंटियां आप क्या ऐसी स्टैंड कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डोंट सिट देयर एंड पास जजमेंट। तो क्योंकि इनकी सोच कम है, इनकी ज़िंदगी में गोरा होना अल्टीमेट है, इनकी ज़िंदगी में तुर्क होना बहुत बड़ी बात है, इनको जिस ज़मीन पे हैं उससे नफरत इतनी है कि उसके बाजू काटे हुए, तो दे आर डिसलोकेटेड, दे आर नॉट, इन पे आप इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। ये इतनी जहालत में डूबे हुए लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो जोहला के दूसरों को जोहला कहते हैं, जिन्होंने कागज़ पेन स्याही इजाद की वो जाहिल हैं, और जिन लोगों को कागज़ नसीब नहीं हुआ था सारी ज़िंदगी और 99% इलिटरेसी उनकी तमाम हिस्ट्री में गुजरी, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीक्स हैं या इंडियंस हैं या दूसरी सिविलाइजेशंस हैं जो 10-10 हज़ार साल से चल रही, उनका हाजी पर मजाक उड़ा देते और दे गेट एंग्री कि ये ऐसी बातें कैसे कर दी, ये कौन है आरजू काजमी, आप पे तो ये भी इल्ज़ाम होगा काजमी नाम क्यों लगाया आपने आगे, कौन है काजमी, इसका बाप है या इसका हस्बैंड है। यानी आपको दे विल रिड्यूस यू टू व्हाट शरिया हैज एसेंशियली डिटरमिन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन मिडिवल टाइम। तो क्योंकि आज से 1200-1300 साल पहले जो औरत की पोजीशन थी सोसाइटी में, जिसके ऊपर शरिया बना, ये चाहते हैं वो बजाय इसके कि कानून इवॉल्व हो,
वो चाहते हैं कि औरत डिवॉल्व होके वहां पहुंचे जो कानून के साथ फिट हो, कि लौंडियों की बात हो, चार बीवियों की बात हो, और ऐसी ऐसी बातें टीवी पे कह देते हैं पाकिस्तान में कि इवन आई गेट शॉक्ड कि क्या कह रहे हैं ये। और उन्हीं की फॉलोअर हैं वो औरतें निकाबों में बैठी हुई जो यहाँ मदरसे चला रही है हमारे कनाडा में, जो नेक बीबियों को कह रही हैं यही तुम्हारी औकात है। मर्द को पूरा वो है, जायज है कि वो लौंडियां रख के उनको साथ उनको रेप करे जो करे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द टीचिंग दैट इज नाउ। सो उसमें आप खड़े होके कहें मैं टेलीविजन होस्ट हूँ और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी बेटियों के हिसाब से बाकी लड़कियों को देखते हैं, और बेटी उन्होंने संभाली भी होती है टू ट्रेड ऑफ मेक फैमिली टाइज, किसी की ज़मीनें कितनी हैं, क्या है, रिश्ता कहाँ से आया, आम तौर पे फर्स्ट कज़िन से शादियां करके फिर फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो डैमेज हो चुका है मुसलमानों का ओवर 1000 ईयर्स उसको और इंक्रीज कर रहे हैं। तो लेकिन सर, सर ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है इसमें, मैं ये बात भी कर रही हूँ, आपने भी लिस्ट लगाई थी, आपका अपना नाम भी था, हुसैन हक्कानी का नाम भी था, और कई लोग हैं जो वो हैं परवेज हुद भाई, उनका नाम भी था। तो ये इनटॉलरेंस क्यों है, क्यों एक दूसरे की बात को, ठीक है मुझे हो सकता है आपकी बात ठीक ना लगे, मैं कहूँगी नहीं मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप हो सकता है मुझे कहें कि मेरी बात आपको ठीक नहीं लगी, लेकिन ये कहना कि आपकी बात नहीं पसंद तो आपको मार देंगे, अब मुझे कह रहे हैं आपको, मतलब मुझे कहा जा रहा है कि इस्लाम से बाहर निकल गई हो क्योंकि तुमने नमस्कार बोल दिया है, और तुम्हारी गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, ये इनटॉलरेंस क्यों है? ये देखिए, जिन लोगों ने ये 14 लोगों की लिस्ट बनाई है जिनका कत्ल करना चाहिए, मैंने FBI को भी कॉपी कर दिया है, ये सारे अमेरिका में पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी हैं। ये ऐसे आम तौर के लोग नहीं है कि कोई पीर फकीर मौलवी के साथ, इनफैक्ट आपके जो मस्जिद के इमाम वगैरह थे उनसे ज़्यादा आसानी से बात हो सकती है, वो किसी तमीज़ से बात भी करते हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, मैं अक्सर लोगों से बातचीत होती है। इट इज़ मच ईजियर टू टॉक टू एन आलिम-ए-दीन देन टू टॉक टू दीज पीपल जिनको कख नहीं पता रिलीजन का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, कुछ नहीं पता, बस उन्होंने चोरी की है सिर्फ, और वो यहाँ से करोड़ों रुपये लेके कैलिफोर्निया में बैठ के उन्होंने 14 आदमियों की लिस्ट निकाल दी कि इसको मारना। उसमें हुसैन हक्कानी भी हैं, ये परवेज हुडबॉय, देखिए आप किस किस को उसमें नहीं छोड़ा, आप देख लीजिए लिस्ट, मैंने तो पूरी प्रिंट कर दी है। एंड दिस इज फ्रॉम अ व्हाट्सएप ग्रुप जो के पाकिस्तान फौजी अफसर चलाते हैं, ये आई हैव गॉट ऑल द एविडेंस। तो ये अब छुपते रहेंगे कहीं पे भी, कहाँ पे भी, FBI के पास इनके पास है, लेकिन आप क्या करेंगे जब पूरी दुनिया के अंदर ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ताले लग रहे हैं और हम लोग नाच रहे हैं कि और ट्रंप को बंद कर दिया, ट्रंप को बंद, नोबडी इज रियलाइजिंग कि कितना कैटास्ट्रॉफिक चीज हो रही है। ये तो कार्ल मार्क्स ने लिख दिया था ना, दिस ये कैपिटलिज्म का अल्टीमेट आम इंसान की एक्सप्लॉयटेशन का पावर है कि वन पर्सन हु इज अ मल्टी बिलियनेयर कैन पास द रूल्स, देयर इज नो लॉ। तो गाइस ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान की ये एंकर आरजू काजमी जो पहले रोज़ न्यूज़ में काम करती थी, उन्हें रोज़ न्यूज़ से अब निकाल दिया गया है और अब ये अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती हैं जिसमें ये इंडिया के पाकिस्तान के लोगों का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लेती हैं और ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिबेट करती हैं। हालांकि आपने इन्हें देखा होगा, बेसिकली ये पहले इंडिया में फेमस हुई हैं रिपब्लिक न्यूज़ की वजह से और इंडियन मीडिया चैनल में ये काफ़ी आती हैं। तो आरजू काजमी को पाकिस्तान से डेथ थ्रेट मिल रहे हैं जिसमें उन्हें बोला जा रहा है कि अगर आप नमस्कार करती हैं, इंडियन से बात करती हैं,
और इस तरीके की बातें करती हैं तो आप इस्लाम से निकल चुकी हैं और आपको जान से मार दिया जाएगा। तो इसी को लेकर ये शो हो रहा था और आज आरजू काजमी ने एक बिंदी भी लगाई। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी ब्रेव लेडी हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान में करना डेफिनेटली एक दिलेरी का काम है, लेकिन इनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सरफिरा उन्हें सीधा जाके वीडियो बना के धमकी दे रहा है तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट जिनके जो वीडियोज़ हैं उनमें बातें होती हैं, आप देख सकते हैं तारिक फ़तेह तो जानते हो आप कितना खुलकर बात करते हैं, और इनके इनके शो में अक्सर मेजर गौरव आर्य आते हैं, और मेजर गौरव आर्य को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान को जितना एक्सपोज उन्होंने किया है, पाकिस्तान के बारे में जितनी बातें वो करते हैं उतनी तो शायद इंडिया में कोई भी नहीं करता, और बहुत लॉजिकल बात करते हैं। आपको पता होगा जो उनके एक आर्मी में और सीपैक के एडवाइज़र हैं बाजवा, उनका जो पिज़्ज़ा का बिजनेस था, आपको पता है पिज़्ज़ा का उनका लगभग US में उनके 100 से ज़्यादा पिज़्ज़ा स्टोर हैं, तो आप समझ सकते हो उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा, और वो पाकिस्तान की आर्मी में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान की आर्मी के जो लोग हैं पाकिस्तान को किस तरीके से अंदर से खोखला करते हैं और बाहर जाकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उनका ये उन्होंने मेजर गौरव आर्य ने सबूत के साथ दिया, और इस बात की बात है अब पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर भी कर रहे हैं, तो उस तरीके के सबूत उन्होंने दिए हैं इनके शो में आकर, और उन्होंने अपने जो डिफेंसिव ऑफेंस उनका यूट्यूब चैनल है उसमें भी जाकर उन्होंने खुलकर बातें की हैं, और पापा जोन्स नाम से जो उस बाजवा की कंपनी है उसको एक्सपोज किया है। और पाकिस्तान आर्मी के ज़्यादातर लोग आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में काम करते हैं और रिटायर होने से पहले ये इतना पैसा बना लेते हैं और सीधा निकलते हैं पाकिस्तान के बाहर, लाइक ऑस्ट्रेलिया। जनरल जेलानी को आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत मतलब बड़े फॉर्म हाउस हैं उनके और बहुत रहीसी से रह रहे हैं, ऐसा ही कुछ हाल मुशर्रफ का है, ऐसा ही कुछ राहिल शरीफ भी दुबई में ऐस कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो पुराने जो बड़े बड़े आर्मी अफसर हैं वो भी कनाडा US में जाकर बसे हुए हैं। मतलब इन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया पाकिस्तान से और बाहर बस गए हैं जाकर पाकिस्तान के, और लूट लाट के निकल गए हैं, और रह गई है पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के नेता, बस इसी चीज़ में लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हो दोस्तों एक अलग तरीके का गेम चलता है पाकिस्तान को उसको लेकर। अब खुलकर बातें होती हैं पाकिस्तान के जब लीडर ऐसा खुलकर बात कर सकते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान ने खुद बोल दिया कि आप हमें पापा जोन्स के पिज़्ज़ा खिलाएं, मतलब आप समझ सकते हो ऐसा खुलकर बातें अगर कर रहे हैं वो, तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी का मूड ख़राब होगा, और ऐसी बातें अगर किसी प्लेटफॉर्म में होगी स्पेशली यूट्यूब में और पाकिस्तान से ऑपरेट होगा तो उस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी जो ये काम करेंगे उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेथ थ्रेट मिलेंगे। और वही कुछ हुआ है आरजू काजमी के साथ, और आरजू काजमी ने इस वीडियो में बता दिया कि वो इस डेथ थ्रेट से डरने वाली नहीं है, उन्हें चाहे कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो आरजू काजमी की दिलेरी है, आशा करते हैं कि इनको कुछ ना हो, अच्छे कंटेंट बनाती हैं भले इंडिया मीडिया में ज़्यादा आती पाकिस्तानी मीडिया के कंपैरिजन में, लेकिन है तो पाकिस्तान से, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो अच्छी बात है। लेकिन जो वीडियो आपने देखा होगा इस बंदे का, उस बंदे ने इनडायरेक्टली कमर चीमा की थी तारीफ, समझ सकते हो आप कमर चीमा की तारीफ। कमर चीमा एक इलॉजिकल बंदा है, हालांकि अब वो लाइन पर आ रहा है मेजर गौरव आर्य के साथ, बहुत सारी डिबेट करता है तो कुछ कुछ लॉजिक तो उसके अंदर भी आते जा रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ कुछ बातें वो करने लगा है, लेकिन वो अभी भी लॉजिकल नहीं है, वो बस वही जसूस जसूस करता रहता है, मतलब पंजाबी एक्सेंट में वही उल्टी सीधी बातें करता रहता है। आपको पता है उसने ये बोला था कमर चीमा की, उसने तारीफ़ की थी और इसको इनडायरेक्टली बहुत गालियाँ दी थी, मतलब आरजू काजमी को, और डेथ मारने की और इस्लाम से निकाल दी, ये वो फालतू की बातें, मतलब आप समझ सकते हो जो बातें होती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं खत्म, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।